जय श्री राम। ब्रेकफास्ट करके नहीं आया लगता। जय श्री राम। टुडे आई वांट टॉक टू यू अबाउट लॉर्ड रामा। एज यू नो ऑल ऑफ यू, हु इज रामा? रामा इज सन किंग दशरथ एंड माँ कौशल्या, सुमित्रा एंड केकई। ही हैज थ्री ब्रदर्स, लखन, शत्रुघ्न एंड भरत। लॉर्ड रामा टीचेस अस वी शुड बी ऑलवेज ओबे टू अवर पेरेंट्स एंड अवर टीचर्स। लव शुड बी अनकंडीशनल, लव शुड बी अनकंडीशनल। एंड लॉर्ड रामा टीचेस अस वी शुड नेवर अंडरस्टिमेट एनीवन। लॉर्ड रामा टीचेस अस ऑलवेज ऑलवेज कास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट कर्मा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कर्मा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉर्ड रामा इज एवरी पर्सन इन हर्ट, लिव एवरी पर्सन इन हर्ट। वन स्टोरी आई टोल्ड यू इन हिंदी। एक समय की बात है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सभी लोग ना उस पर श्री राम लिख के पत्थर में डाल रहे थे, तो सभी क्या हो रहे थे, तैर रहे थे। तो एक छोटी सी गिलहरी वहां पे आती है और वो क्या करती है कि अपनी चोंच से रेता लेके समुद्र में डालती है और वापिस आ जाती है। तो फिर भगवान राम ने कहा कि भाई तुम बड़ी छोटी हो और तुम ऐसे कैसे राम सेतु का निर्माण कर पाओ, बताओ जरा। तो भगवान से गिलहरी बोली कि मैं तो प्रभु राम के कार्य में केवल सहयोग कर रही हूँ। क्या सहयोग कर रही हूँ? तो ऐसा मैं कभी नहीं आपने देखा हुआ गिलहरी के ऊपर ऐसे निशान बना हुआ है, वो भगवान राम ने आत्मा उठा के गिलहरी को ऐसे टच किया था जिसका वो निशान है। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा अपने छोटे छोटे कार्यों से सहयोग करना चाहिए, चाहे वो घर का कार्य हो या समाज का कार्य हो या धर्म का कार्य हो। हमें किसी को, हम कोई परफेक्ट नहीं है, क्या हम कोई परफेक्ट नहीं है? कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो ना तो कभी किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहिए कि जाति पाति ना मुझको प्यारी, भक्तन को दीनी सरदारी। ये सब मैं बार बार इसी बात को रिपीट क्यों करती हूँ कि कभी ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए कि तुम किस जाति से बिलोंग करते हो। सबसे बड़ी बात होती है कि तुम्हारा कर्म क्या है, क्या तुम भूखे को भोजन कराते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो या फिर किसी का सहयोग करते हो। एक एग्जांपल के तौर पे बात बताती हूँ कि एक व्यक्ति अगर भूखा है ना, अगर वो कहेगा हे राम मुझे भोजन की तलाश है और आप मुझ तक भोजन पहुंचाइए, अगर वहां पे आप में से कोई भी पहुंच जाता है तो उसका वो बात उसकी खत्म हो गई कि मेरे लिए यही राम है, मेरे लिए यही राम है। राम कहीं है? पॉजिटिविटी, मंदिर में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी सोच सकारात्मक होती है, इसीलिए उस मंदिर में जाके हमें सब कुछ मिलता है। तो अपने हृदय में ढूंढिए, हमारे हृदय में राम है। कहते हैं ना कि पत्थर में राम नहीं है। जब जागरण होता है ना तो बड़ी बड़ी मूर्तियां आती हैं, क्या बड़ी बड़ी मूर्तियां, और जो आते हैं ना उन पर पैर चढ़ के, पैर रख के चढ़ते हैं, तब तक वो मंदिर में स्थापित नहीं होती, तो क्या होती है, लकड़ी या पत्थर होता है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठान कब होते हैं? जब तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी जो सकारात्मक सोच है, जब वो दीपक जलाया जाता है तब तुम्हारे मन की शुद्धि होती है, क्योंकि 100% तुम वहां होते हो, क्या 100% उस जागरण में होते हो। कोई बाहर क्या हो रहा, बिजनेस क्या है, दोस्त क्या, सब भूल जाते हो, इसीलिए परमात्मा की वहां उपस्थिति होती है। यही सबसे बड़ी बात है कि हम सबके हृदय में राम है, हृदय में राम है, पत्थरों में राम मत ढूंढो, क्योंकि तुम सबके अंदर राम है। तो हम सबके अंदर राम है, अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही राम है। अपने गुरुओं का सम्मान करो, माता पिता की बात मानो। माता पिता की बात हम मानते नहीं है और कहते हैं हमारे साथ तो गलत हो गया, अनहोनी होगी, मम्मी ने तो मना किया था ना उधर नहीं जाना, फिर भी चले गए, तो फिर मानना चाहिए ना। तो यही राम है, हृदय में राम है। और राम
राम क्या है, एक ग्रेट है, ग्रेट पर्सन। उनके चरित्र को समझो, राम के चरित्र को समझो, वो तो हमारी तरह ही थे, लेकिन कर्मों से ही तो गौतम बुद्ध बने, कर्मों से ही महावीर स्वामी बने, कर्मों से ही कृष्ण बने, कर्मों से ही राम बने। तो फॉलो करने के लिए हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी राम जी के चरित्र को समझ पाओगे। ऐसे ही नहीं कि जय श्री राम कहना एक अलग बात है और उनको फॉलो करना वास्तविक जीवन में ये एक अलग बात है। जय श्री राम।